अगर आपको बंदूकों का शौक है तो आपको आज हम ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आज से पहले आपने सिर्फ पढ़ी होगी, लेकिन वो भी आधी अधूरी। लेकिन आज हर बंदूक के बारे में, मेरे पीछे बहुत सारी बंदूकें हैं, सबके बारे में, सबकी खासियत क्या है, मारक क्षमता क्या है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कहाँ बनती हैं, कौन बनाता है और कहाँ इस्तेमाल होता है। हमारे साथ राजेंद्र भाटिया सर हैं। कर्नल राजेंद्र भाटिया सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत तक पर। बहुत सारी बंदूकें हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले पर कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एक बंदूक बनाई जाती है तो उसमें बहुत टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना पड़ता है। एक बंदूक के अंदर तकरीबन 140 से 200 के बीच में कंपोनेंट्स होते हैं, पर ये कंपोनेंट्स ज़्यादा नहीं है। जैसे आपने हमारी आर्टिलरी गन देखी तो उसमें 8000 कंपोनेंट हैं, पर इनमें जो टेक्नोलॉजी होती है, रिपीटेबिलिटी और इसकी जो बोलते हैं रिलायबिलिटी, बहुत ज़रूरी होती है। वही पार्ट जब दुश्मन सामने हो तो आप ये नहीं चाहोगे कि आपका हथियार बीच में रुक जाए। तो जो इस पार्ट्स की जो प्रिसीजन होती है वो बहुत हाई रखनी पड़ती है। तो हाई प्रिसीजन के साथ ये चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं और बनाई जाती हैं। तो आज के दिन में इंडिया के अंदर दो कैलिबर चालू है, एक है 7.62 और दूसरा है 5.56। 5.56 में जो कैलिबर होने से गोली छोटी होती है और उसके जो हथियार होते हैं वो थोड़े कम्पैक्ट होते हैं। 7.62 में गोली थोड़ा बड़ा होता है और उसके हथियार थोड़े से 5.56 के बजाय थोड़ा लंबे होते हैं। तो अगर अभी आप देखना शुरू करें तो ये चार्ट तो आपको पूरा दिखा रहा है, पर हम इधर से शुरू करते हैं। तो ये है एक 5.56x45mm बैरल का एक कारबाइन और ये है 30mm का कारबाइन। तो आप देखेंगे कि इसकी बैरल लंबी है, इसकी बैरल छोटी है। तो ये दर्शाता है 30 कि ये छोटी है, ये 45 दर्शाता है कि ये बड़ी है। हथियार में दोनों में 5.56 का एमिनेशन यूज होगा, पर इनका जो काम होता है प्रोटेक्टिव कार्बाइन का मतलब होता है दीज आर डिफेंसिव वेपन्स। तो ये जब कोई अचानक आपको क्लोज एरिया में जाओ, इनके रेंजेस कम होते हैं पर इनकी फायरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो ये जो दोनों हथियार आप देखते हैं ये हमने DRDO के साथ मिलके बनाए हैं और ये जो हैं बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन है और बहुत अच्छी इसकी ट्रायल्स हुई हैं। एंड अभी हम वेट कर रहे हैं इनकी आर्म फोर्सेस में इंडक्शन। वैसे ही आप एक और डिफरेंट डिज़ाइन की आप कार्बाइन देखोगे, ये भी 5.56-45 है जैसे वो 5.56-45। ये हमारे एक पार्टनर्स हैं, ये फॉरन हुई हैं, उनके साथ मिलके हमने बनाई है और ये भी हम एक टेंडर के अंदर जाने वाले हैं। तो ये आपने देखा, ये है कार्बाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो 7.62 से। तो अभी 7.62 में ये है असॉल्ट राइफल, ये एक इन्फेंट्री सोल्जर का स्टैंडर्ड वेपन। तो आप सुनते हैं कलाश्निकोव के बारे में, सुनते हैं AK-203 के बारे में, तो ये जो हथियार है उन सबको टक्कर दे, ये उनसे बेटर। इसमें बहुत से ऐसे फीचर हैं तो जो कि वर्ल्ड क्लास फीचर हैं इसके अंदर, और हम ये भी कॉन्फिडेंट हैं कि हम ये हथियार को हिंदुस्तान में बना के उससे सस्ते प्राइसेस में बेच सकते हैं। ये कीमत का कितना फर्क आ जाएगा? दूसरी बात, किस तरह से ये क्लाश्निकोव को टक्कर दे रहा है, क्योंकि लोग ये भी जरूर जानना चाहते हैं। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। रिलायबिलिटी एक चीज़ होती है, तो इसकी जो रिलायबिलिटी है कुछ इसमें ऐसी चीज़ें की गई हैं जिसमें हथियार की रिलायबिलिटी बेटर है। जैसे कि जो ऊपर के पीस होते हैं उनको हम वेल्डिंग से बना सकते हैं, उसको हम मशीनिंग से बना सकते हैं। ये मशीनिंग से बना हुआ है सो इसलिए ज़्यादा सुपीरियर। तो इसमें ऐसी छोटी छोटी कई इम्प्रूवमेंट्स हैं और ये टक्कर ही नहीं, ये उससे बहुत बेहतर हो माना जाता है। हाँ जी, इन सब के ऊपर एक पिकेटनी रेल रन करती है जिसके ऊपर आप UBGL कहीं पर भी फिट किया जा सकता है, नजर लगाया जा सकता है। तो इसी तरह अभी आप ये देखो तो ये हमारी स्नाइपर राइफल है, तो ये 7.62 और उतनी लंबी है और ये स्नाइपर राइफल 2000 मीटर पे बहुत इफेक्टिव फायरिंग कर सकती है। इसी तरह लास्ट वेपन जो है वो उसके ऊपर पिस्टल है, तो ये पिस्टल 9mm की। कुल मिला के जो भी आप यहाँ बना रहे हैं वो मेक इन इंडिया है और जो भी कन्फिग्रेशन है आप जो मौजूदा ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से बना रहे हैं। एक मिनट, आखिरी सवाल आपसे ये होगा, मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, कुछ बाहर से मंगाते हैं, कुछ असेंबल करते हैं, कुछ बना भी रहे हैं,
उनके मुकाबले जो बड़ी खासकर असॉल्ट राइफल है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं, उनको आप कैसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं? आप हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, हम सोचते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग हमारे हथियार, इसलिए क्योंकि अच्छी मैन्युफैक्चरिंग वो अच्छे रहे और हम उनको कम्पीट कर सकते हैं और बहुत कम्पिटिटिव। बैरल का भी फर्क? बैरल का फ़र्क होता है, बनाने में फ़र्क होता है। बैरल तो सेम होती है, तरीके भी सेम होते हैं, जो बनाने की क्वालिटी पर डिपेंड है। और हमें मालूम है कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये LMG का एक टेंडर चल रहा है, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बातचीत कर सकते, पर ये एक RFP में है और हम ये कंपोनेंट्स हैं बड़े अच्छी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाते हैं और ये सब हमारी फैक्ट्री में बनता है, सब कुछ भारत में बनता है। चलिए, तो आजकल वजन को लेकर बंदूकों की बहुत काम हो रहा है, क्योंकि कोशिश हो रही है कि वजन हल्का रखा जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थे प्रेसिडेंट थे कल्याणी ग्रुप के, जो बता रहे थे कि जो बंदूकें बन रही हैं इस वक्त वो किस तरीके से वो बना रहे हैं और उनमें क्या कुछ उनकी खासियत होती है।